अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म रनवे 34 रिलीज हो गई है। 2016 में आई शिवाय के बाद इस फिल्म के जरिए एक बार फिर अजय देवगन डायरेक्टर वाली चेयर पर लौटे हैं। रनवे 34 कैसी फिल्म है, यहाँ क्या अच्छा है और क्या बुरा, आज के रिव्यू में उसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी पंकज। फिल्म पर बात करने से पहले शुरू करते हैं इसकी कहानी से। एक फ्लाइट ने दुबई से कोचिन के लिए उड़ान भरी है, लेकिन लैंड करने से पहले ही कुछ दिक्कत आ जाती है। फ्लाइट लैंड करती जरूर है, लेकिन ठीक लैंड करने के बाद उसके दोनों पायलट्स को समन किया जाता है। ये दोनों लोग थे कैप्टन विक्रांत और उनकी को पायलट तान्या। फ्लाइट के लैंड करने से पहले जो कुछ भी उसके अंदर घटा, आगे उसकी जांच चलती है। इतना हम फिल्म के ट्रेलर में भी देख चुके थे। अजय देवगन ने फिल्म में कैप्टन विक्रांत का रोल किया है। वो कॉन्फिडेंट है, अपने साथ एक स्वैग कैरी करता है, सिगरेट का शौकीन है। उसकी पर्सनैलिटी का हिंट हमें उसकी एंट्री सीन में ही मिल जाता है, जब बैकग्राउंड में ही इज द वन अल्फा मैन गाना बज रहा होता है। मुझे ये सीन देखकर लगा कि फिल्म अपने हीरो को सुपरस्टार वाला ट्रीटमेंट देगी, लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। विक्रांत ऐसा इंसान है जिसे खुद के फैसलों पर अंधा विश्वास है। यही कॉन्फिडेंस उसे कई बार औरों के सामने स्मार्ट बनाता है, और यही कॉन्फिडेंस उसे अपने घुटनों पर भी ले आता है। वो ऐसा हीरो नहीं जो मुसीबत के वक्त भी हाइपर चिल रहे, हालांकि वो ऐसा दिखने की कोशिश भले ही करता है, लेकिन उसके माथे से टपकती पसीने की धार कुछ और कहानी कह जाती है। रकुल का कैरेक्टर तान्या विक्रांत को एक कॉन्ट्रास्ट देता है। ना ही उसे विक्रांत जितना अनुभव है और ना ही उसके पास वो कॉन्फिडेंस है। तान्या ऐसे लोगों में से है जो प्रेशर पड़ने पर अपना सेल्फ कंट्रोल खो दें। जो अनुभवहीनता, नर्वसनेस उसके पहले सीन में दिखती है, रकुल उसे आगे भी बरकरार रखती हैं। इन दोनों पायलट्स पर जांच चल रही है और इनके केस को कमजोर करने में लगा है नारायण वेदांत। नारायण ऐसा इंसान है जिसके सामने गलती और गलती करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। क्लिष्ट हिंदी के शब्द इस्तेमाल करता है और अनुशासन की तो पूजा करता है। अमिताभ बच्चन ने ही नारायण का रोल निभाया है। फिल्म में उनके पूछताछ वाले सीन उसके बेस्ट पार्ट्स में से एक हैं, जहां वो दोनों पायलट्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है, उनके लिमिट टेस्ट कर रहा होता है। रनवे 34 एक ऐसी फिल्म है जिसके शुरू होने से पहले आपको पता होता है कि आगे क्या कुछ घटने वाला है। आप बस जानना चाहते हैं कि वो घटेगा कैसे। इस मामले में फिल्म डिलीवर करती भी है और नहीं भी। लेट मी एक्सप्लेन। फिल्म बिना ज़्यादा वक्त खर्च किए सीधा फ्लाइट वाले हिस्से पर पहुंच जाती है और फिर पूरा फर्स्ट हाफ उसी में निकलता है। यहाँ राइटर्स की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि फ्लाइट में टर्बुलेंस आने से लेकर उसकी लैंडिंग तक वो टेंशन बरकरार रखने में कामयाब होते हैं। मतलब आपको पता है कि आगे क्या होगा, फिर भी बेचैनी रहती है कि बस लैंडिंग सेफ हो जाए। एक आध जगह हटा दें तो इस सीक्वेंस में गैर जरूरी ड्रामा नहीं ऐड किया गया। इस सीक्वेंस में VFX ने भी फिल्म की मदद की है। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स ने रात के तूफान के बीच जूझते प्लेन के लिए एटमॉस्फेयर सेट करने का काम किया है। बाकी फिल्म बिना बात के हीरोइज्म और लाउडनेस से दूरी बनाकर चलना चाहती है। इन सब बातों के बाद यहाँ एंट्री होती है एक लेकिन की, जो मोमेंटम फर्स्ट हाफ बनाकर रखता है, सेकेंड हाफ उसे कमज़ोर कर देता है। कुछ इंटरोगेशन वाले सीन हटा दिए जाएँ तो ज़्यादातर सीन ऐसे आते हैं जो आपका अटेंशन रोककर नहीं रख पाते, मामला फ्लैट होने लगता है। ऐसे में क्लाइमैक्स भी कोई खास मदद नहीं करता, बस चीज़ें जल्दी जल्दी रैपअप करने के सिवा। अजय देवगन ने शॉर्ट्स के मामले में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और आपको उनके एक्सपेरिमेंट की छाप पूरी फिल्म में दिखती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद लगातार बिना बात आते क्लोजअप खटकने लगते हैं। ऐसा लगता है कि एडिट टेबल पर एडिटर के पास शॉर्ट्स कम पड़ गए, जिस वजह से जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी बीच बीच में क्लोजअप शॉट्स लगा दिए गए। मुझे रनवे 34 की सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो लाउड हीरोज के दौर में वैसा बनने की कोशिश नहीं करती। कमज़ोर सेकंड हाफ को छोड़ दिया जाए तो फिल्म एक अच्छा ड्रामा है। बाकी अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह के अलावा यहाँ एक और नाम जुड़ा था, कैरी मिनाटी यानी अजय नागर का। अजय ने बेसिकली कैरी का ही रोल प्ले किया है। ये एक ऐसा किरदार था जो नेगेटिव को आगे बढ़ाने में कोई खास हेल्प तो नहीं करता, बस ये है कि उनके जरिए मेकर्स अपनी फिल्म की रीच बढ़ा पाएंगे। आज के रिव्यू में इतना ही, शुक्रिया।